नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, यदि रूट 3 बराबर 1.732 तथा रूट 2 बराबर 1.414 हो तो रूट 3 प्लस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, किसका वर्गमूल हमें निकालना है उसको हम लिख लेते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 बटे में रूट 3 माइनस का रूट 2, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इसमें गुणा हो जाएगा। तो वर्गमूल तो हमारा लगा रहेगा, यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस का रूट 2। अब नीचे रूट 3 माइनस का रूट 2 है तो ऊपर किसका गुणा होगा, रूट 3 प्लस का रूट 2 का। इसी प्रकार नीचे होगा रूट 3 माइनस का रूट 2 एक ब्रैकेट में और रूट 3 प्लस का रूट 2 एक ब्रैकेट में। हमने इसको इस प्रकार कर लिया। अब ये दोनों नंबर सेम हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बटे में क्या होगा, इन अब एक प्लस में है एक माइनस में है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि एक ब्रैकेट में हो ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर है और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर और नीचे बचेगा 1। तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आता है। अब यहाँ स्क्वायर है यहाँ रूट है, ये दोनों आपस में हल हो जाते हैं। तो यहाँ रूट 3 प्लस रूट 2 बचेगा। रूट 3 की वैल्यू कितनी दी थी, 1.732। रूट 2 की वैल्यू कितनी थी, 1.414। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 4 और 7 11 और 1 और 1 2 1 3, तो 3.146। इसका सॉल्यूशन निकल के क्या आया, 3.146। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।